हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैटेलाइटिक कन्वर्टर के बारे में, जिनको शॉर्ट्स में केट्स भी कहा जाता है। ठीक है। सो कैटेलाइटिक कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसको व्हीकल्स में एग्जॉस्ट पाइप और टेल पाइप में लगाया जाता है। तो इंजन से बर्निंग के बाद में जो भी गैसेस बाहर निकलती हैं किसी भी व्हीकल से, तो उन्हीं टॉक्सिक गैसों को ये कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक गैसेज में। सो द कैटेलाइटिक कन्वर्टर इज एन इमिशन कंट्रोल डिवाइस। ओके, सो इसके फंक्शन क्या होता है? सो कैटेलाइटिक कन्वर्टर कन्वर्ट द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स इन द एग्जॉस्ट गैस टू द लेस टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स बाय कैटेलाइजिंग ए रेडॉक्स रिएक्शन। सो कैटेलाइटिक कन्वर्टर में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। इसका लोकेशन कहाँ होता है व्हीकल्स में? तो दे आर लोकेटेड इन ऑन द एग्जॉस्ट सिस्टम और टेल पाइप। सो द कैटेलाइटिक कन्वर्टर आर यूज विद द इंटरनल कंबशन इंजन दैट आर फ्यूल्ड आइदर बाई पेट्रोल दैट इज ऑल्सो नोन एज गैसोलीन और बाई द डीजल। सो कैटेलाइटिक कन्वर्टर को पेट्रोल और डीजल वाले दोनों इंजन में लगाया जा सकता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कैटेलाइटिक कन्वर्टर वार पेटेंटेड बाई द यूजीन हॉड्री। ये एक फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर था जिसने कैटेलाइटिक कन्वर्टर को फर्स्ट टाइम पेटेंट करवाया था। एंड द फर्स्ट कैटेलाइटिक कन्वर्टर वॉज डेवलप बाई द कार्ल डी केथी एंड जॉन एम मोने इन 1973। सो हियर योर राइट हैंड साइड यू कैन सी दीज आर द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर एंड दिस इज द हाउ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। नाउ दिस इज ए व्हीकल इन विच यू कैन सी द लोकेशन ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। हियर यू कैन सी दिस इज द इंजन पार्ट। ओके, वेयर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। आफ्टर बर्निंग द फ्यूल द बर्न फ्यूल और द गैसेज आर रिलीज थ्रू दिस टेल पाइप एंड फाइनली बाई द एग्जॉस्ट पाइप इन द एटमोस्फियर। ओके, सो आफ्टर द इंजन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर इज अटैच्ड। ओके, सो दिस कैटेलाइटिक कन्वर्टर कन्वर्ट द टॉक्सिक गैसेज दैट आर इमिटेड फ्रॉम द इंजन इन टू द लेस टॉक्सिक गैसेज। ओके, देन आफ्टर दे रिलीज इन टू द एटमोस्फियर एंड इन द लास्ट ऑफ द टेल पाइप और एग्जॉस्ट पाइप देर इज ए स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ए मफलर। ओके, सो द वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस मफलर डिवाइस? सो द मफलर इज यूज फॉर द रिड्यूसिंग द वाइब्रेशन ऑफ द इंजन। वेन द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टेक प्लेस इन द इंजन देर आर लोट ऑफ वाइब्रेशन और नॉइज इन द इंजन। सो मफलर इज यूज टू रिड्यूस द नॉइज ऑफ इंजन। ओके, सो दिस इज द लोकेशन। हियर यू कैन सी दीज आर टू ऑक्सीजन सेंसर्स बिफोर एंड आफ्टर द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। सो दे ट्रैक द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन इन द एग्जॉस्ट गैसेज। नो द फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लीन एयर एक्ट ऑफ यूएसए दैट वॉज एनेक्टेड इन 1963। सो इन दैट एक्ट दे फोकस ऑन द कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो इन अमेरिका इन 1975 द फर्स्ट ऑफ ऑल द कैटेलाइटिक कन्वर्टर वॉज इंट्रोड्यूस इन द अमेरिकन प्रोडक्शन कार सिस्टम। ओके, एंड इन यूके द अडोप्शन ऑफ कैटेलाइटिक कन्वर्टर वॉज स्टार्टेड इन 1993 अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट एवरी व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 1 जुलाई 1991 शुड हैव इनबिल्ट विद द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। आफ्टर दिस डायरेक्शन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विद द नीरी नागपुर महाराष्ट्र दिस इज ए इंस्टीट्यूट नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन द नागपुर। सो जॉइंटली विद दिस इंस्टीट्यूट दे स्टार्ट द वर्क ऑन द दे स्टार्टेड द वर्क ऑन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। ओके, ऑन देयर एफिशिएंसी एंड अदर थिंग्स।
Then after in April 19 from since April 1975, the government made compulsory of the catalytic converter that should be in each and every vehicle. Okay. Here is the lead. Earlier, the petrol was leaded as in the form of anti-knocking agents. So lead act as a catalyst poison because it reduces the efficiency of the catalytic converters. Second one is the catalytic converter start working at a high temperature. When the temperature reaches almost near to 350 to 400 degree centigrade, then they start working properly. Okay, so the optimum temperature for working of the catalytic converter is 350 to 400 degree Celsius. Now, what inside a catalytic converter? A catalytic converter के अंदर क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? सो द कैटेलाइटिक कन्वर्टर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जैसे हनी बीज का जो हनी कॉम्ब कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब मधुमक्खी की छत्ते के जैसे उनके अंदर स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती हैं। हेयर यू कैन सी द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स। ओके, सो द कैटेलाइटिक कन्वर्टर आर मेड अप ऑफ हनी कॉम्ब टाइप पैसेजवे एंड स्मॉल सिरेमिक बीड्स। ओके, कौन दीज सिरेमिक बीड्स और वी कैन से दीज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, दे आर कोटेड विद द कैटलिस्ट कोट। ओके, सो देर इज ए कैटलिस्ट कोट ओवर दीज स्ट्रक्चर्स, सो दे एक्ट एज ए सरफेस फॉर द रिएक्शन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। ओके, सो दीज कैटलिस्ट आर कंप्राइजेज ऑफ द थिन लेयर ऑफ द प्लेटिनम, रोडियम एंड पेलेडियम। सो दीज थ्री मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर यूज एज ए कैटेलिस्ट इन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर, विच आर प्लेटिनम, रोडियम एंड पेलेडियम। सो दीज द कोटिंग ऑफ दीज कैटेलिस्ट और मेटल्स आर इनसाइड दीज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, सो दीज मेटल्स आर वेरी कॉस्टली और वेरी प्रेशियस एंड ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी कैटेलाइटिक कन्वर्टर फ्रॉम 4 to 6 ग्राम ऑफ मेटल्स आर यूज एज ए कोटिंग। सो दैट्स वाई द नाउ ए डेज दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन द व्हीकल्स बिकॉज द थ्यूज दे रिमूव दीज पार्ट फ्रॉम द व्हीकल्स फॉर द सेलिंग ऑफ दीज प्रेशियस मेटल्स ड्यू टू दिस प्रेशियस मेटल्स। ओके, सो हेयर यू कैन सी दिस डायग्राम एंड वेन द टॉक्सिक गैसेज आर इंटर इन टू द कैटेलाइटिक कन्वर्टर, देर आर टू टाइप स्ट्रक्चर, देर आर वी कैन से देर आर टू चेम्बर्स। इन वन चेम्बर फर्स्ट रिएक्शन टेक प्लेस, द रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस, इन द सेकेंड चेम्बर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस, एंड फाइनली द लेस टॉक्सिक गैसेज आर रिलीज इन टू द एटमोस्फेयर। एंड देयर यू कैन सी दीज आर द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज प्रोवाइड द सर्फेस फॉर द कैटेलिस्ट। ओके, देन देयर इज ए कैटेलिस्ट कोटिंग एंड दीज कोटिंग रिएक्ट विद द पोल्यूटेंट एंड कन्वर्ट इन टू द लेस टॉक्सिक गैसेज। नाउ द पोल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम द इंटरनल कंबशन इंजन। ओके, तो इन जनरली फ्रॉम द व्हीकल्स व्हाट पोल्यूटेंट्स आर इमिटेड? सो देयर आर जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज इमिटेड ड्यू टू द पार्शियल बर्निंग ऑफ द फ्यूल, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑफ द इंजन, हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू द अनबर्न फ्यूल एंड द पार्टिकुलेट मैटर। दीज फोर आर द मेजर कंपोनेंट दैट आर इमिटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द फ्यूल फ्रॉम द इंजन। ओके, सो हेयर यू कैन सी व्हाट आर द पोल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। सो मोस्टली ऑल द पोल्यूटेंट्स आर सिमिलर एक्सेप्ट वन और टू। फ्रॉम द डीजल इंजन यू कैन सी द सूट पार्टिकल्स एंड द अदर पार्टिकुलेट मैटर इमिटेड मोर एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। सो दिस इज अ जनरल कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट पोल्यूटेंट्स दैट आर इमिटेड फ्रॉम द कंबसन ऑफ द फ्यूल्स आइदर पेट्रोल और डीजल इंजन। सो दीज आर द पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेज। ओके, सो दिस इज द कंपोजिशन, यू कैन सी दिस इज द कंपोजिशन।
Now the types of catalytic converters. So in generally there are many types of catalytic converter, but broadly there are three type of catalyst: diode catalysts, two-way type catalyst, and three-way type catalyst. But recently, presently, only the three-way type of converter are mainly used in the vehicles. Okay. So what is the principle of catalytic converter? Okay, so now we discuss about the principle of the catalytic converter. So here you can see this is the structure of catalytic converter. This one in the this circle. So there are two chambers. First, this is the first chamber and this is the second chamber. Okay, so in first chamber, the reduction reactions take place. Only the reduction reactions are take place. In the second chamber, the oxidation reaction take place. So when the three major pollutants like carbon monoxide, oxides of nitrogen, and hydrocarbons enter in the first chamber, so only the reduction of the NOx take place, and the remaining gases are enter into the chamber two. Okay, so here the reduction of NOx take place, and the NOx is converted into the nitrogen and oxygen. Okay, before entering into the second chamber, the air is also passed into this chamber. So due to air, there is the oxygenated atmosphere, so the oxidation of the pollutants take place. So when the hydrocarbon enter in this chamber, they are converted into the carbon dioxide and water. When the carbon monoxide enter in this chamber, they converted into carbon dioxide. Okay, so likewise, the hydrocarbon and carbon monoxide converted in the presence of oxygen, so the oxidation reactions take place. And finally, the carbon dioxide, nitrogen, and water vapor release into the atmosphere. So this is the principle of the catalytic converter. Okay, here again you can see this is the reduction of reaction, and these are the oxidation reactions take place. Only the reduction of the NOx take place, and the reduction of the NOx take place, and the oxidation of the carbon monoxide and hydrocarbon take place in the second chamber. Now let us discuss all the catalytic converter one by one. So first is the diode catalyst. So these catalysts also known as oxidizing catalyst. Okay, so these catalysts was used before the 1988. After that, they were replaced by the other type of catalyst. So these diode type of catalyst mainly convert the carbon monoxide and hydrocarbons. Okay, it means only there are chamber two are exist in this type of catalyst, so only the reactions take place. But due to the high temperature, there is a more liability of emission of the oxides of nitrogen. So this is a problem. They reduce the carbon monoxide and hydrocarbon, but they increase the emission of the oxides of the nitrogen. So due to this problem, they are replaced by the two-way type of catalyst. Okay. So the two-way type of catalyst earlier used in the diesel engines. Okay. Two-way and three-way. टू वे और थ्री वे का मीनिंग ये होता है कि टू वे में ओनली दो रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। थ्री वे में थ्री टाइप ऑफ पोल्यूटेंट आर कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक गैसेस, एंड टू वे कैटेलाइटिक कन्वर्टर में दो पोल्यूटेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू लेस पोल्यूटेंट गैसेज. ओके, सो इन टू टाइप कन्वर्टर ओनली द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. ओके, देयर इज ओनली ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन किस किस का होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन का होता है. सो इन ऑक्सीडेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड द हाइड्रोकार्बन कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस टाइप ऑफ कैटेलाइटिक कन्वर्टर मेनली यूज इन द डीजल इंजन्स. ओके, एंड दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. So again, they are replaced by the three type of catalyst. Okay.
But in diesel engines, these two type catalyst converter are modified, and some other type of catalyst converter are also used, like diesel oxidation catalyst, catalytic converter. So these are the catalytic converter used in the diesel engines, diesel oxidation catalyst, DOC. Okay, and these catalyst use the oxygen and react with the pollutant like carbon monoxide and hydrocarbons and convert it into the carbon dioxide and water vapor. And the efficiency of these catalytic converter is almost 90%. Okay, and they also eliminate the diesel odor and helping the reduce the visibility of particulates. Okay, they also reduce the particulate matter emission like soot, and they also reduce the diesel odor. Okay, but same way these catalyst converter also not efficient to convert the NOx into the nitrogen and oxygen. So that's why these both the catalyst are surpassed or replaced by the three-way type of catalytic converters. Okay, so three-way catalytic converter means ये जो catalytic converter है वो तीन pollutants को convert करते हैं. किन किन को करते हैं? NOx, oxides of nitrogen, carbon monoxide and hydrocarbons. So three-way reactions take place in these type of catalytic converter. Both oxidation as well as reduction take place. Okay, so first in first chamber the reduction reaction take place, and in the reduction the oxides of nitrogen converted into the nitrogen and oxygen. In the second chamber the oxidation take place. In second chamber the oxidation of carbon monoxide and the oxidation of hydrocarbons take place. So these type of converter mainly used into the petrol engines. नाउ द एयर फ्यूल रेशियो. किसी भी इंजन में फ्यूल के बर्निंग के लिए एयर की एक प्रॉपर अमाउंट का होना बहुत जरूरी है. सो जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सर होता है उसको एयर फ्यूल मिक्सर कहते हैं, ताकि प्रॉपर फ्यूल बर्न, इंजन में प्रॉपर बर्निंग हो फ्यूल की. ठीक है, सो एयर फ्यूल रेशियो क्या होता है? इट इज ए रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एयर डिवाइडेड बाई द मास ऑफ द फ्यूल, एंड फ्यूल में भी एनी सॉलिड लिक्विड गैसियस फ्यूल. ओके, सो दिस इज द मास रेशियो ऑफ द एयर टू द मास रेशियो ऑफ फ्यूल प्रेजेंट इन द कंबशन प्रोसेस. ओके, इफ वी पुट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एयर और वी प्रोवाइड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एयर इन द इंजन फॉर द बर्निंग ऑफ कंप्लीटली बर्निंग ऑफ द फ्यूल. So this ratio known as stoichiometric ratio. So this is a very important term, stoichiometric mixture. कभी कभी ये शॉर्ट में स्टोक भी कहा जाता है इसको, स्टोक, स्टोइकोमेट्रिक मिक्सर एंड इन शॉर्ट स्टोक. सो वेन द रेशियो इज लोअर देन द स्टोइकोमेट्रिक मिक्सर. ओके, अगर ये रेशियो स्टोइकोमेट्रिक मिक्सर से कम है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रिच कंडीशन और रिच मिक्सर. तो यहाँ आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, अगर एयर फ्यूल रेशियो मींस मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्यूल, इफ इट इज लेस देन द स्टोइकोमेट्रिक मिक्सर, इट मींस उस मिक्सर में फ्यूल ज्यादा है, एयर कम है. सो जिस मिक्सर में फ्यूल ज्यादा है एयर कम है वो क्या कहता होता है? रिच होता है. और रिच फ्यूल की क्या खासियत है? रिच फ्यूल की एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, बट उसका एक बेनिफिट होता है कि वो पावर ज्यादा प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो रिच फ्यूल ही होता है. अगर यही रेशियो स्टोइकोमेट्रिक मिक्सर से ज्यादा हो तो उस मिक्सर को क्या कहते हैं? लीन मिक्सर. आप यहां देख सकते हो, दिस मिक्सर नोन एज लीन मिक्सर. सो लीन मिक्सर में क्या होता है? एयर ज्यादा होता है, फ्यूल कम होता है. जब एयर ज्यादा होगा तो क्या होगा? बर्निंग बहुत अच्छे से होगी, बर्निंग अच्छे से होगी. ठीक है, तो एफिशिएंसी भी अच्छी होगी. ओके, बट द प्रॉब्लम क्या है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, बर्निंग ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन इमिशन ज्यादा होगा. सो दीज आर द टू टाइप ऑफ मिक्सर ऑफ द फ्यूल्स, लीन टाइप मिक्सर और रिच टाइप मिक्सर. सो फॉर द गैसोलीन फ्यूल, गैसोलीन फ्यूल्स मीन्स द पेट्रोल फ्यूल, द स्टोकियोमेट्रिक मिक्सर इज अबाउट 14.7:1.
ओके 14.7:1, इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम फ्यूल के बर्निंग के लिए 14.7 ग्राम ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके यदि कोई मिक्सर का रेशियो इस मिक्सर से ज्यादा है तो वो लीन मिक्सर होता है, अगर इससे कम है तो वो रिच मिक्सर होता है। ठीक है, एयर फ्यूल रेशियो 12.1 इज कंसिडर एज ए मैक्सिमम आउटपुट रेशियो। अगर 12.1 है तो उस रेशियो को क्या कहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट रेशियो कहते हैं। ठीक है, वो रेशियो मैक्सिमम आउटपुट देगा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर रेशियो 16.1 है तो उस रेशियो को कहते हैं मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी, मतलब इंजन की इकोनॉमी सबसे अच्छी आएगी, उस फ्यूल का बर्निंग प्रॉपरली होगा और हमको इकोनॉमी ज्यादा मिलेगी। तो मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी रेशियो होता है 16.1। नाउ द एफिशिएंसी ऑफ कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स। सो मोस्ट ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर हैविंग द एफिशिएंसी मोर देन 99%। ओके, बट व्हेन द एफिशिएंसी रिड्यूस और फॉल बिलो द 92%, इट मींस देर इज ए प्रॉब्लम इन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। सो देर इज ए माल फंक्शन इंडिकेटर लैंप। इन इंजन में क्या होता है कि हर व्हीकल्स में एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि इसका मतलब यह है कि अगर एफिशिएंसी 92% से कम हो गई है तो इसका मतलब यह है कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। ओके, तो एफिशिएंसी ऑफ कैटेलाइटिक कन्वर्टर मेजर्ड इन द लैम्ब्रा सेंसर। ओके, सो दीज आर टू सेंसर, द वन सेंसर इज प्लेस्ड बिफोर द कैटेलाइटिक कन्वर्टर एंड वन इज प्लेस्ड आफ्टर द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। नाउ द अनवांटेड रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। सो जब कैटेलाइटिक कन्वर्टर से मेनली टू टाइप ऑफ अनवांटेड प्रोडक्ट्स रिएक्शंस होती हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो इसके लिए हमको लो सल्फर फ्यूल यूज करना चाहिए ताकि हम हाइड्रोजन सल्फाइड के इमिशन को कम कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया, दीज आर द अनवांटेड रिएक्शंस दैट आर अकर इन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। नाउ द कैटेलाइटिक इनहिबिशन एंड डिस्ट्रक्शन। कोई भी कैटेलिस्ट है उसका डिग्रेडेशन और इनहिबिशन कैसे होता है, तो मेनली लेड, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। सो वी शुड यूज अनलेडेड गैसोलीन और अनलेडेड पेट्रोल टू रिड्यूस द एक्सपोजर ऑफ द लेड टू द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। मैंगनीज, द मैंगनीज आर जनरली प्रेजेंट इन द एमएमटी। ओके, दीज आर द ऑक्टेन बूस्टर। अर्लियर दे आर यूज एज ए ऑक्टेन बूस्टर, नाउ दे आर बेंड। ओके, सो द मैग्नीज वाज प्रेजेंट इन द मिथाइल साइक्लोपेंटा डाई इनाइल मैग्नीज ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड दैट आर यूज फॉर द ऑक्टेन बूस्टर, नाउ दे बेंड। सो द मैग्नीज एक्सपोजर ऑल्सो रिड्यूस द एफिशियंसी ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। देन आफ्टर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कैन लीक फ्रॉम द कंबशन चेम्बर इन टू द एग्जॉस्ट स्ट्रीम। ओके, फ्रॉम द कूलेंट इन साइड द इंजन। सो वंस द सिलिकॉन कम इन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर, दे ब्लॉक एंड दे रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। नाउ हाउ लॉन्ग डू कैटेलाइटिक कन्वर्टर लास्ट एंड डू दे वेयर आउट। इसका यह है कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर की लाइफ स्पैन ये कितना चलता है और ये क्या खराब भी होते हैं। तो हाँ, कैटेलाइटिक कन्वर्टर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं। सो ऑलमोस्ट दे रन इन बिटवीन, व्हेन ए कार रन इन बिटवीन 1 लाख to 1 लाख 50,000 miles एंड 1 mile इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। ओके, सो व्हाट आर द सम प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ कैटेलाइटिक कन्वर्टर रिड्यूस। सो फर्स्ट वन इज द आउट ऑफ ट्यून इंजन्स। ओके, व्हेन द इंजन्स क्रिएटिंग द प्रॉब्लम दैट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन और वी कैन इनहिबिशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स। सो द मिस फायरिंग स्पार्क प्लग, इनकरेक्ट फ्यूल मिक्सचर, इनकरेक्ट इंजन टाइमिंग आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। एक्सेसिव फ्यूल, इफ द फ्यूल इज नॉट प्रॉपरली बर्निंग द एक्सेसिव फ्यूल कम आउट इन द एग्जॉस्ट गैसेज एंड दीज एक्सेसिव फ्यूल इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। ऑयलिंग, द इंजन ऑयल समटाइम इंटर इन टू द कैटेलाइटिक कन्वर्टर एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग एफिशियंसी ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। एंड फाइनली द फिजिकल डैमेज,
due to the some debris and a stone, when the road is not in good condition, sometimes stone they also damage the catalytic converter. So damage also affect the working efficiency of the catalytic converter. So now the time of for discussion of the some important questions, and the questions that are also asked in some exams that are related to the pollution control boards, UGC NET, and other exams. So the first question: what is the primary function of the catalytic converter in the automobile? So let's go for one by one all the options. To increase the fuel efficiency of the engine. No, the catalytic converter is not responsible increasing the fuel efficiency. To reduce emission of harmful pollutants from the exhaust. Yes, this is the right. To provide a backup power source for the vehicle. This is the wrong. To increase the horsepower to the engine. Oh, this is not provide the power to the engine. So the right answer is to reduce the emission of harmful pollutants from the exhaust. Now the second question: which of the following pollutant does not a catalytic converter typically remove from the exhaust gases? So from the catalytic converter, mainly hydrocarbons, carbon monoxide, and oxides of nitrogen are converted into the less toxic pollutants. So let us check the options. Hydrocarbons, yes, they are converted. Oxides of nitrogen, yes, they are converted. Sulfur dioxide not converted by the catalytic converter. Carbon monoxide converted. So the right answer is the sulfur dioxide are not converted by the catalytic converters. Next question: how does a catalytic converter works? So what is the principle of catalytic converter? So let's check all the options. By adding a chemical to the fuel and reduce emissions. This is the wrong. Catalytic converter are not adding any chemical to the fuels. By removing the pollutant mechanically from the exhaust system. No, they remove the chemically, not mechanically. So this is also wrong answer. By using a chemical reaction to convert harmful pollutant into less harmful ones. Oh, this is one right. Using the filter to trap the pollutants before can escape into the atmosphere. This is also wrong. So the right answer, they using the chemical reaction for the converting the pollutants, toxic pollutant into less toxic pollutants. What is catalytic converter made of? Okay, so let's check the options. Platinum, palladium, and rhodium, these are the catalysts we are using into the converter. Right answer. Second option is the copper, zinc, nickel. Note, we are not using copper, nickel, zinc. Iron, titanium, and aluminum, we are not using these metals. Silver, gold, and platinum, we also not using the silver and gold, we are using only platinum. So the right answer is the platinum, palladium, and rhodium. First one. What is the purpose of substrate in catalytic converters? Okay, so let's check the options. To provide structural support for the catalyst. The next option, to absorb pollutant from the exhaust gases. To provide a surface for chemical reaction to occur on, and last one is to filter out large particles from the exhaust gas. So right answer is to provide the surface for the chemical reactions for the catalyst. What is three-way catalytic converter? Okay, so let us check the options. A catalytic converter can convert the three different type of pollutant. This is the right one. Okay, not wrong. A catalytic converter that has three separate catalyst. This is also the right one. A catalytic converter that can reduce emission by up 3 times the legal limit. This is the wrong answer. Wrong option. And last one, the catalytic converter can reduce the emission of nitrogen oxides, carbon monoxide, and hydrocarbons. So this one is the more correct option. So fourth one is the right answer. Which of the following can damage a catalytic converter? So driving on the rough road, this is possibility. Using low quality fuel, this is also possibility.
Changing the oil too frequently, no, this is the wrong answer. And over inflating the tire, this is also wrong answer. So the main right out of first and second, the second is the right answer. Okay, mainly the low quality fuel is more responsible for the damaging of the catalytic converter, because the low quality fuel have different pollutants and they emit the more amount of particulate matters and the unburned fuels, and they inhibit the functioning or efficiency of the catalytic converter. So the right answer is the using the low quality fuels. Now the next option, which of the following metals are commonly used in the catalytic converters? So let's check the options. Platinum, we are using the platinum. Copper, we are not using the copper. Zinc, we are not using the zinc. Aluminium, we are not using the aluminium. So in the catalytic converter, we are using platinum, palladium and rhodium. So right answer is the platinum. What is the light of temperature of a catalytic converter? तो लाइट ऑफ टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि जब इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो इंजन का टेम्परेचर जब 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उस टेम्परेचर पे कैटेलाइटिक कन्वर्टर अपना काम स्टार्ट करता है, वर्किंग स्टार्टेड करता है. जब टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच जाता है तो उसको लाइट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं. लाइट ऑफ टेम्परेचर मीन्स द कैटेलाइटिक कन्वर्टर स्टार्ट वर्किंग. नाउ वी चेक द ऑप्शंस. The temperature at which converter stop working. No, the catalytic converter start working. The temperature at which converter begin their work. So this is the right answer. The temperature at which the converter need to be replaced. No, this is the wrong answer. And fourth one, the temperature at which converter overheat. Again, this is the wrong answer. So the light of temperature means the temperature at which the converter begins to work. Now, what can cause a catalytic converter to fail? कि catalytic converter किसकी वजह से inhibit होता है, किसकी वजह से काम करना बंद कर देता है? Overheating, this is one of the right option. Overheating की वजह से भी catalytic converter पे इफेक्ट होता है. Contamination, this is also right option. Contamination की वजह से भी इफेक्ट होता है. Physical damage की वजह से भी catalytic converter को इफेक्ट होता है. Fourth one is the all the above. So right answer is the all the above. What is the function of oxygen sensor in catalytic converter? So oxygen sensor का क्या काम होता है? So oxygen sensor catalytic converter में क्या होता है? जो what the amount of oxygen present in the exhaust gases को measure करता है. So the oxygen sensor regulate the flow of air into the engine. No, this is the wrong option. It measure the temperature. No, it is not related to the temperature. To monitor the level of oxygen in exhaust gases. This is the right. And fourth one is to control the amount of fuel injected into the engine. Again, this is the wrong. So the right option is to monitor the level of oxygen in the exhaust gases. Next one, which type of catalytic converter is most commonly used in the modern automobiles? So the right answer is the three-way catalytic converter, presently used in all the modern vehicles. So which of the following metal is not commonly used in catalytic converters? So platinum we are using, palladium we are using, rhodium we are using, copper we are not using. So the answer is the copper. Copper we are not using in the catalytic converters. So what is the life span of a catalytic converter? So एक गाड़ी कितने चलने पे लगभग कैटेलाइटिक कन्वर्टर का वर्किंग है वो खत्म होने लगती है? तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख जब माइल्स चलता है कोई व्हीकल, सो उनकी एफिशिएंसी खत्म होने लगती है. सो हियर वी चेक द ऑप्शन. 50,000 माइल, 1 लाख माइल्स, 10,000 माइल्स एंड 2 लाख माइल्स. सो राइट आंसर इज द 1 लाख माइल्स. व्हाट इज द पर्पज ऑफ हीट शील्ड ऑन ए कैटेलाइटिक कन्वर्टर्स? सो कैटेलाइटिक कन्वर्टर के ऊपर हीट शील्ड होता है जिसका मेन काम होता है टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग ऑफ द कैटेलाइटिक कन्वर्टर, को ओवर हीटिंग से बचाना होता है. तो राइट आंसर इज द टू प्रिवेंट द ओवर हीटिंग ऑफ द कन्वर्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द चेक इंजन लाइट इन रिलेशन टू द कैटेलाइटिक कन्वर्टर? सो जो चेक इंजन लाइट होता है, इंजन के अंदर गाड़ी के अंदर एक लाइट होती है जिसको चेक इंजन लाइट कहते हैं. वो ये इंडिकेट करता है कि
इसकी एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ रहा है कि कैटेलाइटिक कन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो वी चेक द ऑप्शंस, इट इंडिकेट द प्रॉब्लम विद द कैटेलाइटिक कन्वर्टर टू ड्राइव द लो फ्यूल लेवल्स, रॉन्ग आंसर। इट नोटिफाइड द ड्राइवर ए लो टायर प्रेशर, नो इट नॉट रिलेटेड टू द टायर प्रेशर। टू इंडिकेट द माल फंक्शन विद द ब्रेक सिस्टम, नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू द ब्रेक सिस्टम। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट वन, टू इंडिकेट द प्रॉब्लम विद द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। नाउ नेक्स्ट वन इज द वेयर इज द कैटेलाइटिक कन्वर्टर इज फिटेड। सो एक इंजन में कहाँ फिट होता है? सपोज दिस इज द इंजन, फ्रॉम इंजन टू दिस इज द टेल पाइप, ओके, एंड दिस इज द इन लास्ट दिस इज द एग्जॉस्ट सिस्टम, एग्जॉस्ट पाइप, एंड दे फ्रॉम वेयर द गैसेज आर रिलीज इन टू द एटमोस्फेयर। सो आफ्टर इंजन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर इज फिटेड, ओके, एंड बिफोर द एग्जॉस्ट पाइप देर इज ए डिवाइस दैट इज नोन एज मफलर, ओके। सो वेयर द कैटेलाइटिक कन्वर्टर इज फिटेड, सो द कैटेलाइटिक कन्वर्टर इज फिटेड इन बिटवीन द टेल पाइप, ओके, सो दिस इज द टेल पाइप एंड मफलर। सो द राइट आंसर बिटवीन द मफलर एंड टेल पाइप। द सेकेंड ऑप्शन इज द एग्जॉस्ट पाइप एंड मफलर, दिस इज द एग्जॉस्ट पाइप एंड दिस इज द मफलर। सो दिस इज अगेन द रोंग आंसर, इट इज टेल टेल पाइप एंड रेजोनेटर, रोंग आंसर। बिटवीन द इंजन हेड एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सो द राइट आंसर इज इन बिटवीन द मफलर, इन बिटवीन द मफलर एंड टेल पाइप, ओके। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल ऑफ कैटेलाइटिक कन्वर्टर। सो ऑप्शन आर द प्लेटिनम, या यस वी आर यूजिंग पैलेडियम, वी आर यूजिंग रोडियम, वी आर यूजिंग मोलिब्डेनम, वी आर नॉट यूजिंग। सो दिस इज द राइट आंसर, द मोलिब्डेनम वी आर नॉट यूजिंग एज ए मेटल इन द कैटेलाइटिक कन्वर्टर। कैटेलाइटिक कन्वर्टर डच, सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। वाटर राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। द नाइट्रिक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रोजन गैस, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। एंड फोर्थ वन इज द ऑल द अबोव, सो द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। इफ वन इज यूजिंग कैटेलाइटिक कन्वर्टर इन हिज व्हीकल, देन ही शुड यूज लेडेड पेट्रोल। नो, वी शुड नेवर यूज द लेडेड पेट्रोल, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर। अनलेडेड पेट्रोल एक्टिवेटेड एज कैटेलिस्ट, नो नो, अनलेडेड पेट्रोल कभी कैटेलिस्ट को एक्टिवेट नहीं करता, सो दिस इज आल्सो द रॉन्ग आंसर। थर्ड वन इज द लेडेड पेट्रोल, वी शुड नॉट यूज द लेडेड पेट्रोल। फोर्थ वन इज अनलेडेड पेट्रोल एज लेड इन एक्टिवेटेड द कैटेलिस्ट, सो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। वी शुड यूज अनलेडेड पेट्रोल बिकॉज अगर देर वहां पे लेड होगा तो वो कैटेलिस्ट को इनहिबिट कर देगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।